उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र गंगोत्री से महज 12 किलोमीटर पहले भैरव घाटी की खड़ी चट्टानों पर गर्तांगली के रोमांचक चित्र आपने देखे होंगे। इस खूबसूरत घाटी में जाड़ गंगा के एक तरफ खड़ी चट्टानों पर बनी गर्तांगली किसी स्काई वॉक सरी का रोमांच देती है, लेकिन जितना रोमांच इसे देखने और इस पर चलने में आता है, उससे ज्यादा रोमांच और हैरत इस बात पर होगी कि सदियों पहले आखिर इसे किसने और कैसे बनाया होगा। स्थानीय लोगों के साथ ही अब तक सरकार भी ये मानती आई है कि ये पुल करीब 400 साल पहले बनाया गया था और जाट भोटिया लोग इसका इस्तेमाल तिब्बत व्यापार के लिए करते थे, लेकिन ये सिर्फ कयास ही है और इस पुल के निर्माण का रहस्य अब तक एक गुत्थी माना जा रहा है। हालांकि ये गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझने लगी है। व्यापक शोध ये स्थापित करने लगे हैं कि इस पुल के निर्माण से जुड़ी प्रचलित बातों से इतर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि गर्तांगली के इस रहस्यमय पुल का जब निर्माण किया गया तो हुआ यूं था। गर्तांगली उत्तरकाशी की सीमांत नैलोंग घाटी में मौजूद है। 136 मीटर लंबी और 1.8 मीटर चौड़ी ये गली किसी स्काईवॉक जैसा अनुभव देती है। देवदार की सुंदर लकड़ियों से पुनर्निर्मित करने के बाद इस पुल को अगस्त 2021 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। जानकार बताते हैं कि इस मार्ग का उपयोग 1962 तक तिब्बत के साथ सीमा पार व्यापार के लिए तकनौर पट्टी के व्यापारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद जब व्यापार बंद हुआ तो इस पुल पर आवागमन भी बंद कर दिया गया। असल में 1930 से पहले उत्तराखंड के कई इलाकों में लकड़ियों के पुल वजूद में थे, लेकिन गर्तांगली का जो डिजाइन है वैसा कोई और दूसरा पुल उत्तराखंड में तो दूर पूरे भारत में मुश्किल से ही मिलता था। इसका निर्माण ग्रेनाइट की ऐसी चट्टानों में किया गया था जिन्हें काटना लगभग असंभव था। कई इतिहासकार इस बात को लेकर आश्चर्य में रहते थे कि आखिर इस साहसिक परियोजना को अंजाम किसने और कैसे दिया होगा, क्योंकि जिस जाड़ गंगा के इलाके में ये पुल है वो कभी टिहरी रियासत के अधीन था, लेकिन टिहरी रियासत के तमाम दस्तावेजों में भी इस पुल निर्माण का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इस रहस्य में पुल के रोचक इतिहास को विस्तार से जानें, उससे पहले एक बार इस पूरे क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि जितना रोचक इतिहास गर्तांगली का है उतना ही महत्वपूर्ण इतिहास इस पूरे इलाके का भी है। असल में उत्तरकाशी जिले की नैलोंग घाटी कभी भारत, तिब्बत और हिमाचल की रामपुर बुशहर रियासत के बीच विवाद का कारण रही है। ये तीनों ही इस घाटी पर अपना अपना अधिकार जताते रहे हैं। इसे लेकर टिहरी रियासत और तिब्बत के बीच तो कई बार गहरे मतभेद भी हुए। आखिरकार 1920 के दशक में अंग्रेज सरकार ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए मेज पर बुलाया, लेकिन इस पर भी निर्णय लेने में 6 साल लग गए। फिर साल 1926 में ब्रिटिश सरकार ने अपना फैसला सुनाया, जिसके तहत नैलोंग गांव टिहरी और जेदोंग गांव तिब्बत को दिया गया। हालांकि इस फैसले से दोनों ही पक्ष यानी टिहरी रियासत और तिब्बती सरकार खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों ही रियासतें पूरे क्षेत्र पर अपना अपना अधिकार चाहती थी। तिब्बत सरकार ने तब कई दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि उनकी सरकार नैलोंग और जेदोंग गांव से 74 रुपये वार्षिक कर वसूलती रही है, जिसका मतलब है कि ये गांव उसका हिस्सा है। दूसरी तरफ इन्हीं दो गांव से 24 रुपये सालाना टैक्स वसूलने के साक्ष्य टिहरी के राजा के पास भी मौजूद है। बल्कि टिहरी के तत्कालीन राजा ने यह भी दावा किया कि तिब्बत के राजा कर वसूलने का जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो सिर्फ व्यापार कर का दस्तावेज है। उधर तिब्बत का आरोप था कि टिहरी के अधिकारी नैलोंग और जेदोंग के स्थानीय लोगों पर दबाव डालते हैं कि वो सर्वेक्षण करने वालों को ये बताए कि तसांग चोकला, जिसे जेलू खागा भी कहते हैं, उस पर हमेशा से टिहरी का राज रहा है। गर्तांगली का ये पुल उस वक्त नैलोंग और जेदोंग को भारत से जोड़ता था। साथ ही उत्तरकाशी के सीमांत इलाके के लोग व्यापार के लिए इसी पुल से नैलोंग जेदोंग होते हुए तिब्बत जाते थे। बौद्धों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल थोलिंग मठ जाने के लिए भी इसी पुल का इस्तेमाल होता था। टिहरी और तिब्बत के अलावा हिमाचल की रामपुर बुशहर रियासत ने भी लंबे समय तक इस क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया, लेकिन रामपुर बुशहर के तर्कों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। ये तो हुआ उस पूरे इलाके का इतिहास। अब बात करते हैं चर्चित गर्तांगली की, जिसकी गुत्थी अभी तक इस बात पर उलझी रही कि आखिरकार इसे किसने और कब बनाया। इस गुत्थी को सुलझाने की दिशा में बेहद अहम काम किया वरिष्ठ पत्रकार और शोधकर्ता राजू गुसाई ने। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने वो तमाम दस्तावेज हासिल किए जिसे काफी हद तक ये साफ होता है कि इस पुल का निर्माण 400 साल पहले नहीं बल्कि आज से करीब 170 साल पहले हुआ था,
और इसे बनाया था ब्रिटिश टिम्बर टाइकून और हर्षिल के राजा कहे जाने वाले फ्रेडरिक विल्सन ने। विल्सन एक उम्दा शिकारी और लकड़ी का बड़ा व्यापारी था। इसके साथ ही वो अंग्रेजों के लिए तिब्बत की खुफिया जानकारियां जुटाया करता था। फ्रेडरिक विल्सन 1820 के करीब गढ़वाल आया। यहाँ आने से पहले विल्सन अंग्रेजों की सेना में था और बताया जाता है कि वो सेना से भागकर गढ़वाल पहुंचा था। यहाँ उसने टिहरी के राजा से लकड़ी कटान का ठेका हासिल किया। हर्षिल में अपने लिए एक आलिशान घर बनवाया और लकड़ी कटान से इतना धन अर्जित कर लिया कि देखते ही देखते उसे हर्षिल का राजा कहा जाने लगा। आगे चलकर उसने देहरादून में एशले हॉल का भी निर्माण करवाया। विल्सन ने हर्षिल में ही एक स्थानीय परिवार की युवती से शादी की थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों के बीच उसकी अच्छी खासी पैठ हो गई थी। विल्सन के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप 12 मासिक का प्रोग्राम हर्षिल विलेज टूर भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और शोधकर्ता राजू गुसाई बताते हैं कि फ्रेडरिक विल्सन ने इस लकड़ी के मार्ग का निर्माण करवाया था। इसके बारे में अपनी 1860 की संपादित किताब के साथ ही 1873 के प्रकाशित लेख में भी उन्होंने संकेत दिए। 1860 में प्रकाशित हिमालय असमर रंबल में विल्सन ने लिखा है कि जाड़ गंगा के ऊपर व्यावहारिक मार्ग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय हैं। हालांकि विल्सन ने यहाँ स्थान का सीधा सीधा नाम नहीं लिखा, लेकिन ये जिक्र जरूर किया है कि इस पुल को बनाने में उन्हें कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने एक अन्य लेख में विल्सन ने जिक्र किया है कि गंगा घाटी क्षेत्र में एक ट्रैक है जहाँ चट्टान की दरारों पर पेड़ और झाड़ियाँ उगती है और उन्हें पोषण देने के लिए बहुत कम या कोई मिट्टी नहीं होती। इस लेख में ये भी लिखा गया है कि नदी के ऊपर कई 100 मीटर चट्टानें खड़ी है जो ग्रेनाइट की है और भागीरथी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी जाड़ गंगा 200 मीटर नीचे बहती है। राजू गुसाई बताते हैं कि विल्सन ने अपने असली नाम के बजाय माउंटेनियर के नाम से लेखन और संपादन किया। असमर रैम्बल इन द हिमालयाज का संपादन विल्सन ने ही किया था और उसमें कुछ लेख भी लिखे थे। 1873 में जेंटलमैन मैगजीन के खंड 10 में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसकी हेडिंग थी अ स्टॉक इन तिब्बत। इस लेख में विल्सन ने सबसे पहले इस बात से पर्दा उठाया कि वो तिब्बत की छोटी सी यात्रा पूरी कर चुका है। उसने ये भी जिक्र किया कि हिमालय की भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड की तुलना में बेहद चुनौतीपूर्ण है। उसने गरतांग गली से होते हुए भैरव घाटी से नेलोंग की दूरी लगभग 6 मील बताई। राजू गुसाई बताते हैं कि हर्षिल से तिब्बत तक का पुराना व्यापार मार्ग भैरव घाटी से नहीं बल्कि कोपंगा पहाड़ियों के ऊपर जांगला और कर्चा से होकर गुजरता है। सभी टूरिस्ट गाइड बुक और मैप गरतांग गली से दूर का ही रास्ता दिखाते हैं। यहाँ तक कि 1907 में प्रकाशित नक्शा जिसमें मसूरी से नेलोंग मार्ग में हर्षिल और कर्चा से नेलोंग तक का रास्ता दिखाया गया है, उसमें भी गरतांग गली का कहीं जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विल्सन ने गरतांग गली का निर्माण क्यों किया। राजू गुसाई बताते हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेजों को अगर गौर से देखा जाए तो संभावना लगती है कि वो भैरव घाटी से तिब्बत में गुप्त अभियानों में जाता था और ये उसकी मजबूरी भी थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि विल्सन कभी ब्रिटिश सेना का हिस्सा था, अफगान युद्ध के दौरान वहां से भाग आया और उत्तराखंड आ पहुंचा। यहां वो नाम बदलकर मसूरी में रह रहा था, लेकिन उसका ये भेद एक दिन खुल गया और मसूरी में उसे पकड़ लिया गया। और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसके हाथों एक सैन्य अधिकारी की हत्या हो गई। उसके बाद ही विल्सन टिहरी रियासत पहुंचा जहां उसे हर्षिल में लकड़ी कटान का ठेका मिला। बाद में जब अंग्रेज हुकूमत को ये खबर लगी कि भगोड़ा और हत्यारा विल्सन दुर्गम हिमालय में छिपा हुआ है और वहां पर काफ़ी प्रभावशाली हो गया है, तो उसे तिब्बत की खुफिया सूचनाओं को हासिल करने के लिए एक संभावना के तौर पर देखा गया। उसके पास एक टीम भेजी गई और उसे बताया गया कि उसके अपराधों को माफ़ किया जा सकता है बशर्ते वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए तिब्बत की खुफिया जानकारी जुटाए। ये काम विल्सन के लिए वैसे भी ज़्यादा कठिन नहीं था, वो इसलिए कि एक तो वो बिल्कुल तिब्बती सीमा के पास ही रहने लगा था और दूसरा दोनों तरफ से लगातार व्यापार होने के चलते वहाँ उसकी आवाजाही भी थी। लेकिन क्योंकि उसके खुद के नैन नक्श तिब्बती या नेलोंग जेदोंग वालों से बिल्कुल अलग थे, इसलिए उसे बेहद सतर्क भी रहना था। 1854 में कर्नल फ्रेड मार्कम की किताब शूटिंग इन हिमालय में लिखा गया है कि कैसे विल्सन और कर्नल फ्रेड नेलोंग के पास भैरव घाटी क्षेत्र में भरल का शिकार करने गए थे। यहाँ तक कि तिब्बत दौरे पर अपने लेख में विल्सन ने तिब्बत में प्रवेश करने का खुलासा किया जहाँ विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। 1849 में विल्सन ने टिहरी के राजा सुदर्शन शाह से तकनौर परंगना में 400 रुपये के वार्षिक किराए पर जंगल का पट्टा हासिल किया। तब अंग्रेज भारत में रेलवे का विस्तार कर रहे थे और इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में टिम्बर की जरूरत थी। इस टिम्बर की सप्लाई का बड़ा ठेका विल्सन को भी मिला। 23 मई 1849 को टिहरी सरकार द्वारा किए गए एक भूमि बंदोबस्त में कहा गया है कि विल्सन गोरखा कब्जे के दौरान उजाड़ हो चुके क्षेत्र में पुनर्निवास के लिए महाराजा का एजेंट नियुक्त किया गया था।
लिहाजा विल्सन को अब मैन पावर की जरूरत थी। तब उसके पड़ोस की रामपुर बुशहर रियासत के जाट समुदाय के कई परिवारों को निलोंग जेदोंग में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। इस पर टिहरी के तत्कालीन राजा भवानी शाह का आदेश भी उसे प्राप्त हो गया था। राजू गुसाई के अनुसार स्थानीय लोग अपने दम पर लकड़ी का पुल बनाने के लिए जरूरी संसाधनों को जुटाने में असफल थे। वो इसलिए कि इस पुल को बनाने के लिए देवदार की लाखों टन लकड़ियों की जरूरत थी। टिहरी सरकार के शासन में केवल सरकार के पास ही सड़क बनाने की शक्ति थी। स्थानीय ग्रामीणों को जंगल और उसकी उपज पर सीमित अधिकार मिलते थे। उन्हें घर बनाने, जलाने और कृषि के लिए लकड़ी काटने की अनुमति तो थी, लेकिन सार्वजनिक उपयोग के लिए इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी कटान की अनुमति नहीं थी। टिहरी प्रशासनिक रिपोर्ट में 1918-19 में निर्माणधीन भैरव घाटी गरतांग सड़क को दर्शाया गया है। यहाँ तक कि गंगोत्री के तीर्थ मार्ग का विकास भी उस समय बेहद धीमा था। 1968 तक धरासू तक ही सड़क बनकर तैयार हुई थी और गंगोत्री तो धरासू से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। उस दौर में खच्चर ट्रैक को बनाए रखना भी एक जटिल काम था। ऐसे में स्थानीय द्वारा गरतांग गली जैसे लकड़ी के रास्तों का निर्माण असंभव था। फ्रेडरिक विल्सन वास्तविक जीवन में लीक से हटकर प्रयोग करने के लिए भी जाना जाता था। गंगा में तैरती लकड़ी और भैरव घाटी के पास लंका में भागीरथी घाटी का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाना कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस ब्रिटिश बिजनेस टाइकून के अभिनव दृष्टिकोण को साबित करते हैं। गरतांग गली भी ऐसी ही परियोजना थी जिसकी संकल्पना और क्रियान्वयन विल्सन ने किया। आखिर वो हर्षिल का राजा था जिसने उस इलाके में वर्चस्व और स्वतंत्रता का आनंद लिया। विल्सन ने मसूरी से गंगोत्री मार्ग पर भी कई पुलों का निर्माण करके और वन मार्ग को सुधार कर संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही विल्सन ने हर्षिल, भटवारी, उत्तरकाशी और धरासुक में वन अतिथि गृह भी बनवाए। हमारे सहयोगी मनमीत का लिखा यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको बारहमासा के प्रोग्राम पसंद आते हैं तो हमें सहयोग करें। आप हमें थैंक्स का बटन दबाकर या डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी के जरिए भी अपना समर्थन दे सकते हैं ताकि हम लाते रहे ऐसे ही दिलचस्प जानकारियां बारहमासा।